अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो के मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज के लेक्चर का हम बकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम जिस हवाले से जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है रेस्टोरेंट के अंदर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, जब आप टेबल रिक्वेस्ट करते हैं, जब आप आर्डर देने लगते हैं तो उस दौरान आप मुख्तलिफ़ आपको चीज़ों के मुख्तलिफ़ थिंग्स की आपको वोकेबलरी जो है, जो बेसिक्स हैं वो आने चाहिए। आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि चम्मच को क्या कहते हैं, कांटे को क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के मतलब आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम रेस्टोरेंट में जब टेबल रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके में इस्तेमाल होने वाले कुछ वर्ड्स हैं उनकी आज हम वोकैबुलरी सीखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर का बकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास कुकियायो। कुकियायो कहते हैं चम्मच को, स्पून को, ठीक है। कुकियायो, 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 स्पून, चम्मच। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फोर्केता। फोर्केता कहते हैं कांटे को, ठीक है, जो फॉर्क होता है उसको कहते हैं फोर्केता। फोर्केता कांटे को, फोर्केता, फोर्केता। कोल्टेलो, कोल्टेलो कहते हैं छुरी को, ठीक है, कोल्टेलो, कोल्टेलो, कोल्टेलो। तोवाल्योलो, तोवाल्योलो कहते हैं रुमाल को, ठीक है, तोवाल्योलो, तोवाल्योलो, तोवाल्योलो। साले, साले कहते हैं साल्ट को, यानी कि नमक को, ठीक है, साले, साले, साले। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है पेपेनेरो। पेपेनेरो कहते हैं ब्लैक पेपर को, यानी कि काली मिर्च को। काली मिर्च को इटालियन में पेपेरोने, पेपेनेरो भी कह सकते हैं और पेपेरोने भी कह सकते हैं, ठीक है। पेपेनेरो, पेपेनेरो, पेपेनेरो। अगला हमारे पास वर्ड है अक्वा। अक्वा कहते हैं पानी को, अक्वा, अक्वा, अक्वा। पाने, पाने कहते हैं ब्रेड को, ठीक है, रोटी को भी आप पाने बोल सकते हैं। इटालियन में रोटी को पाने ही बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जिस तरह रोटी को आप ब्रेड बोलते हैं और एक दूसरी ब्रेड खाने वाली भी उसको भी आप ब्रेड बोलते हैं, वो जो दूसरी होती है, तो रोटी को भी ब्रेड ही बोलते हैं इंग्लिश में। इसी तरह पाने जो है ये आप रोटी को भी बोल सकते हैं, और पाने यहाँ का एक बहुत ही फेमस है, एक फूड है, तो उसे भी आप पाने बोलते हैं, तो आप रोटी को भी पाने बोल सकते हैं, ठीक है। पाने, पाने, पाने। बेवांदा, बेवांदा कहते हैं मशरूब को, ठीक है, ड्रिंक को, किसी किस्म का शरबत जो है जिसमें कोई चीज़ मिक्स हो पानी में, ड्रिंक होता है ये भी, लेकिन ये पानी नहीं होता, ये मशरूब होता है। किसी किस्म का शरबत हो सकता है, जिस तरह कोक है, ये बेवांदा है, ठीक है, ये ड्रिंक्स हैं, ओके। बेवांदा, बेवांदा, बेवांदा। मेनू, मेनू, मेनू कहते हैं मेन्यू को, ठीक है, जो फहरिस्त होती है जिसपे तमाम जो खाने हैं उनका डिटेल में लिखा होता है, तो उसको बोलते हैं मेनू, ठीक है, मेनू, मेनू। कफ़े, कफ़े कहते हैं कॉफ़ी को,
काफे काफे। दोलचे दोलचे कहते हैं डेजर्ट को, यानी कि जो मीठा होता है ना, जो मीठा खाना होता है, ठीक है, मीठे खाने होते हैं, जो भी खीर हो गई और भी एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा, तो उन्हें उन खानों को दोलचे बोलते हैं, यानी कि मीठा, ठीक है, डेजर्ट। दोलचे दोलचे दोलचे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन ज़रूर पूछा करें मुझे। कोई भी आपको कोई भी आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड, या इवन कोई भी आपका क्वेश्चन हो इटालियन लैंग्वेज के रिलेटेड, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछा करें। मैं आपके कमेंट का आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा, और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आप मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।